ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको एमकेटी 630 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है डेटा प्रिपरेशन के लिए, वो है SPSS। उसके बाद देखिए कौन सी ईयर के अंदर थ्योरी जो एब्सोल्यूट एडवांटेज की वो प्रेजेंट की एडम स्मिथ ने, वो है 1776। उसके बाद ये कि मर्केंटलिज्म अकॉर्डिंग टू मर्केंटलिज्म फिलोसफी इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ नेशन कुड बी मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ, इकोनॉमिक हेल्थ जो एक नेशन की मेजर की जाती है किस फॉर्म में, वो है प्रीशियस मेटल। उसके बाद ये कि जो थ्योरी है तो नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की उसको फॉरवर्ड किया गया था कौन से ईयर के अंदर, 1990 के अंदर। उसके बाद ये कि जजेस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जजेस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इलेक्ट हुए फॉर टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ 9 ईयर्स बाई द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, जो नंबर ऑफ जजेस थे वर्ल्ड कोर्ट में वो हैं कितने, 15। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा कंट्री जो है वो रेप्यूटेड है कि वो टू हैव पास्ड द मोस्ट स्ट्रिंगेंट ग्रीन मार्केटिंग लॉज दैट रेगुलेट, जो कि रेगुलेट करता है मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग जो है पैकेजिंग वेस्ट की, वो है जर्मनी। उसके बाद ये कि अगर नेशन, एक नेशन यूज़ करती है टैरिफ्स, कोटास और नॉन टैरिफ बैरियर्स ताकि रिस्ट्रिक्ट करे ट्रेड को, सो ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्लोरिश कर सकें, सो इट मे बी डिफ्रेंशिएट इट्स एज, इसके अलावा प्रोटेक्शनिज्म। उसके बाद ये इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो, कौन सा इंडेक्स जो है वो मेजर करता है टॉलरेंस जो है सोशल इनइक्वालिटी की, वो है पावर डिस्टेंस। उसके बाद ये कि हाई कॉन्टेक्ट कल्चर प्राइमरीली फॉलो करता है वेयर दी कंप्लीट प्राइमरीली फॉलो डैश डैश को फॉलो करता है वेयर द कंप्लीशन ऑफ अ ह्यूमन ट्रांजेक्शन इज एम्फसाइज मोर देन बिल्डिंग मोर देन होल्डिंग टू स्केड्यूल, इसके जवाब है पी टाइम। उसके बाद ये कि एक इंडिविजुअल जो कि यूज कर रहा है सिस्टमेटिक डिजाइन कलेक्शन एनालिसिस और रिपोर्टिंग जो डेटा की रिलेवेंट करता है मार्केटिंग से उसके प्रोग्राम को टू माइनॉरिटी स्टूडेंट, यानी कि जो माइनॉरिटी स्टूडेंट है उनके लिए इसको हम क्या कहेंगे, मार्केटिंग रिसर्च। उसके बाद ये कि गैदर करना सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, ये जो है इज वन ऑफ द स्टेप, वो एक स्टेप है स्टेप में से डेवलप करने के रिसर्च प्लान। सो वाट डज द सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन इन वाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन इन मार्केटिंग रिसर्च, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है मार्केटिंग रिसर्च में, इसका मतलब ये दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट समवेयर, जो कहीं पर एग्जिस्ट करती है, हैव बीन कलेक्टेड, लेकिन वो कलेक्ट हुई है दूसरे पर्पज के लिए। उसके बाद ये कि क्या डिजायर्ड रेट ऑफ स्पीच है प्रेजेंटेशन के लिए, वो है 100 to 150 वर्ड। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई द सिस्टम, आइडेंटिफाई करें सिस्टम ऑफ अकाउंट जो कि रिकॉर्ड करता है नेशन की इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा टर्म जो है वो एक्सप्लेन करती है एबिलिटी एक फर्म की या इंडिविजुअल की कि सेटिस्फाई करे कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन, वो है क्वालिटी। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करे कॉन्सेप्ट जिसके अंदर कस्टमर जो प्रेफर करेगा उन प्रोडक्ट्स को जो कि हाईली सोल्ड होती हैं और हाईली प्रोमोशनल बैकअप की होती हैं, वो है सेलिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आइडियल पॉलिटिकल क्लाइमेट है मल्टीनेशनल फर्म, वो है स्टेबल फ्रेंडली गवर्नमेंट। उसके बाद ये कि पावर एक्सरसाइज बाय स्टेट, पावर जो कि एक्सरसाइज करती है एक स्टेट इन रिलेशन टू अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में, सॉरी दूसरे कंट्रीज से रिलेशन के लिए, और जो सुप्रीम पावर एक्सरसाइज करती है ओवर इट्स ऑन मेंबर्स, उसके मेंबर्स के ऊपर, वो कहलाती है क्या, सॉवरेनिटी। उसके बाद ये कि हाफ स्टेट डैश डायमेंशन इज द डिग्री टू विच द पीपल इन अ कंट्री प्रेफर स्ट्रक्चर्ड ओवर अन स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन, वो है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। उसके बाद ये इनमें से कौन सा एलिमेंट जियोग्राफी का वो कंसिडर किए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन जब एक्सेस किया जाए एक मार्केट, वो है क्लाइमेट और फिजिकल ट्रेंड। उसके बाद ये कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो बेस्ट सुटेड है गैदर करने के लिए इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन, वो है कैजुअल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है पार्ट ऑर्गेनाइजेशन के मैक्रो एनवायरनमेंट का, वो है इंटरनल एनवायरनमेंट। उसके बाद ये कि कौन सा जिसके अंदर कस्टमर प्रेफर करेंगे उन प्रोडक्ट को जो कि इजिली अवेलेबल है और इनएक्सपेंसिव है मार्केट के अंदर, वो जाना जाता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के तौर पर। उसके बाद ये कि कौन सी अल्टरनेटिव टर्म जो है वो यूज़ होती है लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए, वो है लॉ ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। उसके बाद ये कि करेक्टराइज द स्टेज ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वेयर द मार्केटर सीक लो प्रोडक्शन कॉस्ट, वो है मेच्योर स्टेज। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें टर्म जो कि एक्सप्लेन करती है कंट्री की स्टेटस को इंटरनेशनल ट्रेड में नेट कैपिटल आउटफ्लो के साथ, वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद ये कि अगर एक नेशन यूज करती है टैरिफ कोटास और नॉन टैरिफ बैरियर्स रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ट्रेड, सो डैट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कैन फ्लोरिश, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्लोरिश करे, ये इट में डिफ्रेंशिएट एज प्रोटेक्शनिज्म, ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे प्राइमरी डेटा जो कि यूज हो रहा है फर्म यूज कर रही है, वो है कलेक्टेड फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस। उसके बाद ये कि किस ईयर के अंदर थ्योरी जो एब्सोल्यूट एडवांटेज की प्रेजेंट की एडम स्मिथ ने 1776 में। उसके बाद ये कि एक स्टेटमेंट जो कि रिकॉर्ड करता है तमाम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक नेशन के रेजिडेंट के दरमियान और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है एक पीरियड के दरमियान, यूजुअली तौर पे 1 ईयर होता है 1 साल होता है, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट एक नेशन की। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन है ये फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज है एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है रेगुलेट फॉरन बिजनेसेस। उसके बाद ये कि ज़्यादातर लोग जो बिहेव करते हैं फॉलोइंग तरीके से व्हेन देयर इज कल्चरल चेंज, जब कल्चरल चेंज
चेंज आता है कॉर्पोरेट एनवायरमेंट में, वो रिजिस्ट करते हैं अगेंस्ट चेंज। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन है उनको कंसिडर किया जाता है एज अ मेंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट नेचर, जो इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस की वो क्या है, कंटिन्यूअल मॉनिटरिंग इज नीड। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक फिजिकल कंक्रीट प्रोडक्ट है जो कि आप टच कर सकते हैं, वो है अ गुड। उसके बाद ये कि मर्केंटलिज्म फिलोसफी, अकॉर्डिंग टू मर्केंटलिज्म फिलोसफी है इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ नेशन कुड बी मेजर्ड इन, उसको मेजर किया जा सकता है इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, प्रीशियस मेटल। उसके बाद ये कि द थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज वाज प्रेजेंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर, कौन से स्कॉलर ने की थी, वो है माइकल पोर्टर। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें सिस्टम ऑफ अकाउंट डेट रिकॉर्ड, जो कि रिकॉर्ड करता है एक नेशन की इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद ये कि बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट उसमें शामिल है थ्री अकाउंट्स, एक्सेप्शन एक को छोड़ के वो है एक्रुअल अकाउंट, वो नहीं होता। उसके बाद ये कि एक्सचेंज रेट मीन्स, एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि हाउ मच वन करेंसी इज वर्थ इन टर्म्स ऑफ अनदर वन, यानी कि एक करेंसी की क्या वर्थ है दूसरी के मुकाबले में। सो आइडेंटिफाई द टर्म विच कैरी द सेम कॉन्सेप्ट एक्सचेंज रेट, सो इस सेम कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज रेट की तरह, कौन सी टर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा लॉ जो है, लॉ फॉर्मेट जो है वो बेस करता है कि ऑल इंक्लूसिव सिस्टम के ऊपर रिटन रूल्स ऑफ लॉ के, वो है कॉर्ड लॉ। उसके बाद ये कि एक नॉन बॉन्डिंग एग्रीमेंट जो है पार्टीज के दरमियान रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट बाय आस्किंग अ थर्ड पार्टी के वो मेडिएट करें डिफरेंसेस, वो कहलाता है कंसिलिएशन। उसके बाद ये कि डिफरेंशिएट करना एक फाइनेंस सिस्टम एक्सचेंज रेट का, इन विच वैल्यू ऑफ पार्टिसिपेटिंग करेंसीज आर फ्री टू एक्सचेंज इन रिलेशन टू वन अनदर अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फॉर ईच करेंसी फ्रॉम अदर्स, वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग हॉफ्स टेड डायमेंशन एम्फेसिस, इनमें से कौन सा जो है हॉफस्टेड डायमेंशन एम्फेसिस जो है, डेट द पीपल बिलोंग टू अ ग्रुप, लोग जो कि बिलोंग करते हैं ग्रुप को एंड लुक आफ्टर ऑन एक्सचेंज फॉर लॉयल्टी, वो है कलेक्टिविज्म। उसके बाद ये कि इंडिकेट द कॉन्सेप्ट गिवन बिलो द डेट एक्सप्लेन द ह्यूमन मेड पार्ट ऑफ द ह्यूमन एनवायरमेंट, वो है कल्चर। उसके बाद ये कि करंटली यू फाइंड योर सेल्फ, आप अपने आप को फाइंड करते हैं इन्वॉल्व इन मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च में इन्वॉल्व, द फॉर्म यू आर यूजिंग इस फॉर्म जो कि आप यूज़ कर रहे हैं इस फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है, अलाउ करता है एक्सप्लेनेशन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन की एंड लैंड इट सेल्फ टू शोइंग प्रोडक्ट्स एंड एडवर्टाइजमेंट। सो वाट इज दिस फॉर्म ऑफ रिसर्च, ये कौन सी फॉर्म है रिसर्च की, पर्सनल इंटरव्यूइंग। उसके बाद ये कि मार्केटर रिसर्चर्स यूजिंग, मार्केटिंग रिसर्चर्स जो यूजली ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन जो है लार्ज ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में स्टडी करते हुए, इनमें से कौन सी स्मॉल कंपनी जो है टोटल कंज्यूमर पॉपुलेशन की, वो है सैंपल। उसके बाद ये इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक एग्जांपल है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, वो है सेंसस डेटा। उसके बाद ये कौन सा मेथड रिसर्च का यूज किया जा सकता है ऑब्टेन करने के लिए इन्फॉर्मेशन अगर लोग अनविलिंग या अनेबल टू प्रोवाइड है, वो है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद ये कि अगर प्रॉक्टर एंड गैम्बल को जो है वो जरूरत होती है जानने की कि कितने परसेंट जो है कस्टमर्स की एग्जामिन करते हैं प्रोडक्ट लेवल इससे पहले कि बनाई जाए एक प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है सुपरमार्केट में, सो किस मेथड के जरिए स्टडी जो हो सकेगी, वो है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद ये कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की थी इनमें से कौन से स्कॉलर ने, वो है पॉल क्रकमैन। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें कि कौन सा लॉ जो है विच लॉ सीक्स इंटरप्रिटेशन थ्रू द पास डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट्स एंड इंटरप्रिट द सेम स्टेटस स्टैचूज ऑफ और अप्लाई स्टैब्लिश एंड कस्टमरी प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ टू अ सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट, वो है कॉमन लॉ। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन विल जनरली इंक्रीज करेगा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, वीक करेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन और रिस्ट्रिक्ट करेगा मैनुफैक्चरर्स की सप्लाई सोर्स, वो है टैरिफ। उसके बाद ये आइडेंटिफाई करें डिसीजन मेकिंग स्टाइल जो कि फॉलो करते हैं लोग यूएसए के, वो है अथॉरिटेरियन। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है टाइम सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम सिस्टम टाइप इज फाइज मोस्ट नॉर्थ अमेरिकन सिटीज, दे टेंड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली वन थिंग, वो फोकस करते हैं कॉन्सेंट्रेट करते हैं सिर्फ एक चीज़ के ऊपर एट अ टाइम, वे दे डिवाइड, जहाँ वो डिवाइड करते हैं टाइम को स्मॉल यूनिट में और कंसर्न होता है प्रॉम्प्टनेस के साथ, वो है एम टाइम मोनोक्रॉनिक टाइम्स। उसके बाद ये अगर ABC लिमिटेड जो है वो जानती है डेट इट्स मार्केट शेयर इन पाकिस्तान, उसका मार्केट शेयर जो है पाकिस्तान के अंदर वो ड्रॉप हुआ है 13% फर्स्ट क्वार्टर में ईयर के, लेकिन वो नहीं जानती कि क्या जो है कॉन्ट्रीब्यूट किया जा सकता है उसके डिक्लाइन को, इट इज़ इन विच स्टेज ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद ये योर असिस्टेंट वांट्स टू यूज़, आपका असिस्टेंट चाहता है क्या यूज़ करना है सेकेंडरी डेटा एक्सक्लूसिवली रिसर्च, करंट रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, आप जो है उसको एडवाइस करते हैं कि जो यूज़ है सेकेंडरी डेटा का उसका जो है कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम है, इनमें से कौन सा जो है वो नहीं ऑप्शन, सो वो है मोर एक्सपेंसिव वैन परचेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये थी आज की वीडियो, आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।